हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं मीनाक्षी आज आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी जो सबके दिल के करीब होती है और सबकी पहली पसंद होती है। यह रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। तो ये रेसिपी है गाजर के हलवे की रेसिपी। हर जगह इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मैंने भी इसे अपने तरीके से तैयार किया है और अपनी यह रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। तो मोस्टली इसका जो थीम है गाजर का हलवा, हर जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और ये मैंने ले लिया है लाल गाजर। तो गाजर मार्केट में दो तरह के आते हैं, एक हल्के ऑरेंज में, एक हल्के लाल में। तो ये मोस्टली सर्दियों में ही अवेलेबल होता है। तो ये मैंने 400 ग्राम तक का लिया और इसे मैं कद्दूकस अच्छे से करूँगी, यानी जो ग्रेटर से आप जिस शेप में देना चाहे तो मैं बारीक वाला से कट करूँगी। तो इसे जो है हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद मैंने इसे अच्छे से ग्रेटर से बारीकी कट कर दिया है। तो घर में अलग अलग बनाने का तरीका होता है सबका। डायरेक्ट इसे आप कट करके भी स्टीम लगा कर सकते हैं, बट मैं जो शेयर करने जा रही हूँ ये मेरा अपना तरीका है और ये बहुत ही अच्छा बनता है। कलर बहुत रिच आता है और टेस्ट काफ़ी गुड होता है और फ्लेवर के साथ टेक्सचर काफ़ी नाइस। तो ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और मैंने डाल दिया है इसमें 2 चम्मच का देसी घी, यानी जो घर में तैयार किया गया है हमारा। और इसे हमें लो फ्लेम में ही अच्छे से हल्का मेल्ट होने देना है और मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। डायरेक्ट हम इसमें ग्रेट किया हुआ जो हमारा गाजर है वो हम डालेंगे। तो इसका एक रीज़न ये है कि घी में जो हम गाजर को हल्का सा भुनेंगे उससे इसका कलर जो है बना रहता है, काफ़ी अच्छा बना रहता है इसे। और तो और इसमें एक गुड फ्लेवर स्टार्टिंग में ही ऐड हो जाता है। तो ये मैंने इसे डाल दिया और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में ही अच्छे से चला लेना है। तो 2 से 4 मिनट चला लेने के बाद हमें इसे हल्का एक स्टीम देना होगा, क्योंकि इसे हमने कोई भी स्टीम नहीं दिया है। डायरेक्ट ये अभी कच्चा ही है कहा जाए तो इसे बस हमें चलाकर 2 मिनट के लिए कहा जाए तो एक स्टीम दे देंगे ढक्कन से ढककर। और हमारा 2 मिनट हो चुका है। गाजर का जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है, काफ़ी मॉइस्चर इससे रिलीज़ हो गए हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस में लगेंगे। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस सेम एज है कि हमें इसमें अब मिल्क ऐड करना है। तो दूध हमें इतना ऐड करना है जिससे कि गाजर जो है आपका कवर अप कर जाए, उससे ज़्यादा आप नहीं ऐड करें। तो क्योंकि इसे सुखाना भी पड़ता है हमें और ये जल्दी जो है नहीं सूखता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूध की मात्रा उतनी होनी चाहिए इस गाजर में जो कि कम्प्लीट कवर अप कर सके। तो इसे मैंने चला दिया है अच्छे से और अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकने के लिए रखना है। तो हमारा गैस का फ्लेम अभी लो टू मीडियम के बीच रहेगा और इसे हम फिर से एक स्टीम देंगे जिससे ये काफ़ी अच्छे से नर्म, सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा जो है ये पक जाए। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है और अब जो है उबाल आने के बाद हमें इसे अच्छे से कवर अप कर देना है। तो उबाल आने के साथ साथ हमारा गाजर जो है कंप्लीट जितना पकना चाहिए उतना हलवे के अकॉर्डिंग ये रेडी है। अब जो है हमारा कुछ एक्स्ट्रा जो पानी गाजर से जो रिलीज हुआ है वो और मिल्क सूखने में थोड़ा समय लगता है। तो इसे हमें बस ढक्कन खुले ही जो है जैसे ये दूध जो है इसे सुखाना है हमें, तो हमें इसी तरह से चलाना होगा मीडियम फ्लेम में। और जैसे ही हमारे ये दूध इसमें सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अब देखेंगे गाजर का हलवा का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और साथ ही मैंने इधर रेडी रखे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने रखा है कैसियो काजू है और इधर किशमिश रखा है मैंने, आलमंड्स रखा है। तो आप इसे जैसा शेप देना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसे शेप दे दें। तो बच्चे जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं, किसी भी तरह का पकवान बनाए उसमें आप ड्राई फ्रूट डालें कट करके डेकोरेशन के साथ, काफ़ी बच्चे इंजॉय करते हैं उसे। तो
तो मैंने जो है इसे चला लिया है। साथ ही इसमें हम एक सीक्रेट यूज़ करेंगे, ये है अमूल का पाउडर, मिल्क पाउडर। तो आप इसकी जगह खोवा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका जो हलवा है काफ़ी गुड फ्लेवर के साथ बहुत रिच बनेगा। आप चाहे तो खोवा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन तो आप मिल्क पाउडर यूज़ करें। तो ये मैंने इसमें एक पैकेट का मिल्क पाउडर यूज़ किया है। हमारा गाजर 400 ग्राम तक का था, और मिल्क की अगर क्वांटिटी की बात करें तो मैंने जैसा बताया गाजर के ग्रेट करने के अकॉर्डिंग मैंने एक लेबल तक ही जो है कवर अप तक ही मिल्क डाला था, और अमूल का एक पाउडर मैंने डाल दिया, एक कंप्लीट 10 रुपीज़ का जो पैकेट आता है। और इससे जो है आपका बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा गाजर में, और इसका कलर जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कलर चेंज हो जाता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कलर बिल्कुल नहीं चेंज होता है इसका। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है फिर से 2 चम्मच का देसी घी, जिससे कि ये हलवे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और इसमें बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर आ जाएगी और काफ़ी रिच बनने वाला है ये। तो ये हमारे इधर प्रोसेस हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हम जो है इसमें यूज़ करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। हलवे काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं और हम इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि इसका टेक्सचर काफ़ी प्यारा आने वाला है। ग्रेट किए हुए हलवे का यही एक खूबी है कि आप इसमें काफ़ी प्यारा टेक्सचर देख सकते हैं, और फ्लेवर के साथ साथ आपको ये देखने में काफ़ी रिच लगेगा। तो इधर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। कैश्यू का सेप मुझे हाफ कट ही काफ़ी अच्छा लगता है सजाना, तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो हमें इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से चला लेना है, जिससे कि ये अच्छे से जो है हल्के पक जाए, और कंप्लीट कहा जाए तो ये पक ही जाते हैं 2 से 4 बार चलाने में। तो ये हमारा हलवा जो है कहा जाए तो बनकर रेडी हो चुका है, हम इसे ठंडा होने दे देंगे। आप इसे किसी थाली में निकाल कर एक बेस्ट शेप दे सकते हैं बर्फ़ी का, या फिर आप इसे डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसे कोई शेप नहीं दिया है, जस्ट ऐसे सर्व किया है। तो आपको मेरी ये प्यारी सी गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक करें, फैमिली में शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी जाते जाते इन सर्दियों में गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई करें, मैंने तो लास्ट ट्राई किया है। आप भी इसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में इतने देर बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।